तो आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ रेड टिप की ये रनिंग शूज़, और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही में इसमें कैसा कंफर्ट मिलता है, कैसी ग्रिप है इन शूज़ की, कितने प्राइस पॉइंट पे आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स इन शूज़ से रिलेटेड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से करते इन्हें अनबॉक्स और देखते ये जो शूज़ है वो कैसे है। तो रेड टिप की ये रनिंग शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हमें रेड टिप की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इन शूज़ की सारी डिटेल्स बॉक्स के साइड में हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एमआरपी काफ़ी ज़्यादा दी है, बट इससे काफ़ी कम प्राइस में ये जो शूज़ है वो अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो ये शूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं ये शूज़। चलिए अब देखते हैं डिटेल में इन्हें। शूज़ को अनबॉक्स करने के बाद गाइस फर्स्ट लुक में जो शूज़ है वो देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप देख सकते हो साइड से इन शूज़ का जो लुक है वो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया आता है। अगर बात करें इन शूज़ के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो डिज़ाइन वाइज गाइस ये जो शूज़ है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। अपर में हमें यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो भी बढ़िया तरीके से की हुई है। ओवरऑल शू में हमें मेनली दो कलर्स देखने को मिलते हैं, एक है ब्लैक एंड सेकेंड है ग्रे। ग्रे कलर में यहाँ पे पूरी जो ब्रांडिंग है वो की हुई है, जैसे यहाँ पे ब्रांडिंग है, टंग पे हमें जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बैक साइड से भी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रे कलर की पूरी जो लाइन है वो हमें देखने को मिलती है, और बैक साइड से एकदम सिंपल सा रखा गया है, और यहाँ पे हमें एक जो रिबन है वो भी दी हुई है, जिससे ओवरऑल इन शूज़ का जो लुक है वो बहुत बढ़िया आता है। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो गाइस जो वेट है वो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे हमें ऐसे कोई भी जो अटैचमेंट के मार्क्स या फिर ऐसा कोई भी जो फ्लॉ है वो देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल गाइस इन शूज़ की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, एंड जो डिज़ाइन है वो तो अच्छा है ही। कंफर्ट के लिए इन शूज़ में अच्छा खासा जो कुशन है वो दिया हुआ है, साइड में अगर हम प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही बैक साइड से भी यहाँ पे थोड़ा अपलिफ्टेड है, एंड पीछे जो है वो अच्छा खासा कुशन दिया हुआ है, जिससे आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन शूज़ का जो इंसोल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, और इससे आपको ओवरऑल जो कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन शूज़ में यूज़ किया है रेड टेप का फ्लो प्लस विथ मेमोरी फोम सिस्टम वाला ये इंसोल, जिसकी जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगी है। साथ ही में इसका जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और अगर इसे हम प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो प्रेस है वो हो जाएगा। तो जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो इस इंसोल के वजह से आपको बहुत बढ़िया जो कंफर्ट है वो मिलने वाला है इन शूज़ में। इन शूज़ में अपर मटेरियल में टेक्सटाइल मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो पैटर्न्स है वो बनाए हैं, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। वही ये जो मटेरियल है वो अच्छा रहता है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। साथ ही में इसमें हम काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी बना सकते हैं, जिसका जो यूज़ है वो यहाँ पे किया हुआ है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो पैटर्न्स है वो देखने को यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाते हैं। वही टंग पे यहाँ पे जो मैश का यूज़ है वो किया है, जो कि अच्छी बात है। एंड लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो फ्लैटेंड लेसेस है वो मिल जाती है, जो कि मेनली ब्लैक है, एंड हल्की सी जो ग्रे लाइंस है वो हमें इन लेसेस पे देखने को मिलती है, जो कि देखने में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगती है। वही लेसेस के पास हमें यहाँ पे एक जो सिंथेटिक पैच है वो देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में, जिससे ओवरऑल इन शूज़ का जो लुक है वो बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम इनका जो वेट है वो भी करके देख लेते हैं, देखते हैं इनका जो वेट है वो कितना है। तो इसका वेट हमें देखने को मिल रहा है 314 ग्राम्स। वही इसका हमें यहाँ पे जो वेट है वो देखने को मिल रहा है 311 ग्राम्स। तो ऐसे दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है, एंड 300 ग्राम्स ज़्यादा वेट नहीं है। आपको ये जो शूज़ है वो लाइट वेट लगेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा जो वेट है वो इनमें आपको जो है वो फील नहीं होने वाला है। तो वेट वाइज तो जो शूज़ है वो अच्छा है। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है इन शूज़ का आउटर सोल। आउटर सोल में यहाँ पे ईवा मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साइड से यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाते हैं सोल के ऊपर, जो कि देखने में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैक सोल अगर हम देखते हैं इन शूज़ का, तो यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो पैटर्न्स है वो मेनली स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स में हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो पैटर्न्स है वो भी अच्छे खासे, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के सी जो लाइंस है वही है, अच्छे खासे एनग्रेव जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इनसे आपको जो ओवरऑल ग्रिप है वो भी अच्छी मिल रही होगी। यहाँ पे कोई भी थर्मोप्लास्टिक या फिर और कोई मटेरियल का यूज़ नहीं किया हुआ है, अगर किया होता तो हो सकता कि और बढ़िया ग्रिप मिलती, बट यहाँ पे पूरा ईवा सोल का ही यूज़ किया हुआ है, एंड जो पैटर्न्स है वो अच्छा है। तो हो सकता है कि इनसे ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो अच्छी खासी मिले। ग्रिपिंग में मुझे नहीं लगता कि एज सच बहुत ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम है वो इनमें आएगा। वही अगर हम पीछे से देखते हैं तो थोड़ा सा अपलिफ्टेड भी हमें देखने को मिलता है, और जो हील का साइज़ है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिससे आपको ओवरऑल जो कुशनिंग वगैरह इन शूज़ में वो अच्छी खासी मिलेगी जब आप रनिंग वगैरह करोगे तब। तो ये थे गाइस रेड टेप के रनिंग शूज़। अब ओवरऑल
ओवरऑल ये जो शूज़ है वो मुझे कैसे लगे और क्या आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहनने के बाद गाइस जो चीज़ है वो और क्लियर हुई। तो जो इंसोल है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, जिसकी वजह से हल्का सा जो कम्फर्ट है वो मिला। साथ ही में फिटिंग वाइज भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग भी बढ़िया है इन शूज़ की। बट जो बैक सोल है गाइस इसका जो मटेरियल है वो मुझे थोड़ा हार्ड लगा, और इसी हार्डनेस की वजह से गाइस जो शू है वो उतना ज़्यादा जो कम्फर्टेबल है वो मुझे नहीं लगा। वही अगर हम इसको फ्लेक्स करके देखते हैं तो ये ईजिली जो है वो फ्लेक्स भी नहीं होता है। तो बैक सोल ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जो कम्फर्ट है इसमें आपको थोड़ा जो डिक्रीज़ है वो देखने को मिलेगा। वही इनसोल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। वही अगर आप रनिंग करना चाहते हो, रनिंग के लिए बोल रहे हो कि ये शूज़ लेना चाहिए या नहीं, तो अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हो और आपको स्पोर्टी लुक चाहिए एंड आप कॉलेज में भी वेयर करना चाहते हो, आपको एक स्पोर्ट शूज़ बाय करना है 1000-1500 की रेंज में, तो तब आप इनके लिए जा सकते हो। बट अगर आप एकदम प्रोफेशनल रनिंग करते हो और डेली आपको रनिंग वगैरह करना है तो उसके लिए मैं इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे, जहाँ पे आप फिर जो इजीली प्रोफेशनल रनिंग वगैरह वो भी कर सकते हो और आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा, क्योंकि रनिंग शूज़ में मेनली उसका जो आउटर सोल है वो ज़्यादा मैटर करता है। उसकी क्वालिटी अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी तो आपको काफ़ी हेल्प भी होगी और आप ज़्यादा टाइम तक जो रनिंग वगैरह वो भी कर पाओगे। तो थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह करना है और डेली यूज़ में शूज़ को यूज़ करना है तो ये इनको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा और हार्डनेस की वजह से ये इजीली जो है वो टीयर ऑफ भी नहीं होगा, तो अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी ये जो शूज़ है वो आपको देगा। तो डेली यूज़ वगैरह के लिए एंड स्पोर्टी लुक चाहिए तो बाय कर सकते हो, रनिंग के लिए लेना है तो आपको मैं और काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, तो उनको भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो मैंने इन शूज़ को बाय किया था 1499 रुपीज़ में। वही अगर आपको ये कम प्राइस में मिलते सेल में, अगर आपको ये 1200 में मिलते तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, क्योंकि देखने में शूज़ जो है वो बढ़िया लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं एंड ओवरऑल ठीक ठाक आपको कम्फर्ट और की सारी जो चीज़ है वो भी मिलेगी एंड ड्यूरेबल भी ये जो शूज़ है वो रहने वाले हैं, तो आप सोच सकते हो इनके बारे में। बट स्पेशली रनिंग करना है तो फिर दूसरे ऑप्शंस आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में।